हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के देसूरी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ा 389 किलोग्राम अवैध दोदा पोस्ट, एक बिना नंबर के फॉर्च्यून वाहन को भी लिया कब्जे में। बरामद दोदा पोस्ट की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पाली जिला पुलिस अधीक्षक रंजन दुष्यंत के निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत देसूरी पुलिस थाना अधिकारी मुकेश कुमार मय साप्ता द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यून गाड़ी से 389 किलोग्राम दोदा पोस्ट सहित उक्त वाहन को जब्त किया। पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हरिओम आश्रम के निकट नाकाबंदी के दौरान उक्त वाहन तेज गति से नाकाबंदी तोड़ निकला। उसका पीछा करने पर तस्कर सूने जंगल में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस द्वारा उक्त फॉर्च्यून गाड़ी से 389 किलोग्राम दोदा पोस्ट बरामद कर उक्त वाहन को जब्त किया। पुलिस द्वारा फरार तस्करों की तलाश की जा रही है। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।